हेलो एवरीवन, द टॉपिक फॉर दिस लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू आरएनए पॉलीमरेजेस। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरएनए पॉलीमरेजेस के बारे में, उनकी टाइप्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस में क्या डिफरेंस है और कैसे वो अपना काम करते हैं और कौन कौन से काम में कौन कौन सा पॉलीमरेज इन्वॉल्व रहता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। सो हमारा सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है इसमें कि आरएनए पॉलीमरेज काम कैसे करते हैं, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपकी फिगर आपको दिख रही है, इसमें जो पर्पल सा ये जो बड़ा सा सर्कल है, दैट सिग्निफाइज द आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज को अपना काम करने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से एमआरएनए बनवाएगा। आप देखिए, ये डीएनए है, ये कुछ एक पोर्शन में खुला है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि आपका डीएनए जो है वो ओपन होता है ओपन रीडिंग फ्रेम या जीन के रीजन में, जहां से कोडिंग सीक्वेंस होती है उस रीजन से आपका एक कोडिंग स्ट्रैंड खुल जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपका ये जो खुला हुआ डीएनए है उसके ऊपर आके आरएनए पॉल बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और वो आरएनए पॉलीमरेज इस खुले हुए डीएनए से आपका एमआरएनए बनाता है, ये एमआरएनए बन के निकल रहा है। सो ये इसका काम है। अब इस काम को करने के लिए, मतलब डीएनए से आरएनए बनवाने के लिए, इस आरएनए पॉलीमरेज को क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के पास होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द प्रमोटर। प्रमोटर हमने बात की पिछले लेक्चर में कि प्रमोटर वो सीक्वेंस है जो अपस्ट्रीम रहती है जीन के और जो आरएनए पॉल को बाइंड करने में हेल्प करती है। एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहती है जिसपे आरएनए पॉल आके बाइंड कर सकता है। तो प्रमोटर को पहचानने की, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी आरएनए पॉलीमरेज नीड्स। सेकेंड, डीएनए बाइंडिंग, उस जगह पे बाइंड करना, रिकॉग्निशन के बाद बाइंडिंग बड़ा जरूरी है, उस सीक्वेंस पे जाके बाइंड भी करना है, उसके लिए वो भी उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मीन्स वो आपस में जो है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। थर्ड इज चेन इनिशिएशन, इट शुड बी एबल टू स्टार्ट ए चेन, स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए चेन ऑन इट्स ओन, इट डज नॉट रिक्वायर प्राइमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपेयर करेंगे आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज के साथ, तो डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर चाहिए काम करने के लिए, इसको प्राइमर नहीं चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इंटरेक्शन विद रेगुलेटरी प्रोटीन्स, क्योंकि जब आरएनए बन रहा होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, तो ना सिर्फ आरएनए पॉल आके बाइंड करता है डीएनए के साथ, हमने और सीक्वेंसेस की बात की थी, एनहांसर, साइलेंसर्स या एनहांसर्स की बात करें तो वहां पे और बहुत सारी साइट्स के ऊपर आके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं, प्रमोटर पर भी बाइंड करेंगे, एनहांसर पर भी बाइंड करेंगे। ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं इंटरैक्टिव होते हैं नेचर में, तो आरएनए पॉलीमरेज उनके साथ इंटरैक्ट करके कैसे प्रोटीन को आगे, कैसे आरएनए को बनवाना है, उसकी एबिलिटी भी उसके पास होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज, आपका प्रमोटर बाइंडिंग, उसको उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए डीएनए के साथ, प्रमोटर रिकॉग्निशन, डीएनए बाइंडिंग, फिर चेन को स्टार्ट करने की प्रॉपर्टी, एंड देन इंटरेक्शन विद द रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज़ की, तो आरएनए पॉलीमरेज़ दोनों जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, आपके पास प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है। तो एक डिफरेंस देख लें दोनों में, बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा। आप देखिएगी, जो यूकैरियोट्स हैं आपके और जो प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स आपके हाईली डेवलप्ड होते हैं और प्रोकैरियोट्स आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। तो प्रोकैरियोट्स में आपके पास एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज़ है, जबकि आपके पास व्हेन यू गो टू यूकैरियोट्स वहां पे पांच तरह के पॉलीमरेज हैं, तीन तो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, पांच डिफरेंट तरह के पॉलीमरेज आपके पास हैं। उसके आप देखिए, जो कोर एंजाइम रहता है, कोर एंजाइम, अब एंजाइम हम की बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की, तो एक उसका कोर एंजाइम रहता है और साथ में उसके रहते हैं आपके को एंजाइम्स या आपके जो उसके एडिशनल ग्रुप्स लगते हैं। तो जो कोर एंजाइम है यहाँ पे पांच सब यूनिट्स का बना होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये 10 से 20 यूनिट्स होता है, बहुत हैवी प्रोटीन, बहुत बड़ा मल्टीमेरिक प्रोटीन है। इसका वेट लगभग आपका प्रोकैरियोट्स में 400 किलो डाल्टन है, वेयर एज इन एज कम्पेयर टू आप देखेंगे यूकैरियोट में ये 500 किलो डाल्टन के आसपास है। ये आपका जितने भी प्रोकैरियोटिक आपके आरएनए हैं ये सारा एक ही पॉलीमरेज बनाता है, और वो जो आरएनए आपका बनता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, मींस एक एक ही बार में तीन चार जीन से आरएनए बन जाता है। यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता, यूकैरियोटिक में एक सिंगल जीन से सिंगल आरएनए बनता है, उसको आप मोनोसिस्ट्रॉनिक आरएनए कहते हैं। उसके बाद आपका जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो रेगुलेशन होती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर्स, कौन सा आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, टीआरएनए बनेगा या आरआरएनए बनेगा, अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए की भी, तो कौन सा टाइप ऑफ आरएनए बन रहा है ये कंट्रोल होता है आपके सिग्मा फैक्टर्स की मदद से। वेयर एज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक आपके पास जो है
डिफरेंट तरह के आरएनए पॉलीमरेज ही होते हैं, आपके पास हर डिफरेंट तरह के आरएनए के लिए डिफरेंट तरह का पॉलीमरेज। वेयर एज इन यूकेरियोट्स एक ही पॉलीमरेज है, वो अलग अलग तरह के आरएनए बनाएगा बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर्स। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके पास प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का। एक तो ये कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है और यूकेरियोट्स में मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज हैं। दूसरा, एक ही पॉलीमरेज से सारे आरएनए बनेंगे प्रोकैरियोट्स में, और यूकेरियोट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनएज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस लगेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की। अब प्रोकैरियोट्स में मैंने कहा एक ही पॉलीमरेज हमारे पास है, तो एक पॉलीमरेज के अंदर चार से पांच, पांच सबयूनिट्स आपको बताए, तो यहां पे चार यूनिट दिखाए होंगे आपके पास, अल्फा बीटा। एक तो आपका अल्फा है, इसके दो सबयूनिट्स लगेंगे, ये दो यूनिट्स लगेंगे, टू टाइम्स अल्फा लगेगा आपका। उसके बाद बीटा है, बीटा डैश है और सिग्मा है। इसके अलावा ओमेगा फैक्टर भी रहता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है जब बाइंडिंग होती है उसके बाद डीएनए के साथ, उसके बाद एंजाइम की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ओमेगा फैक्टर भी। ये अल्फा जो है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चेन इनिशिएशन और इंटरेक्शन विद रेगुलेटरी प्रोटीन्स। बीटा और बीटा डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए बाइंडिंग, बीटा चेन इनिशिएशन एंड इलोंगेशन, और सिग्मा मैंने कहा ये स्पेसिफिसिटी देता है। सिग्मा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी टू द आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और इस तरह स्पेसिफिसिटी देगा आपके कॉम्प्लेक्स को, आपका जो आरएनए पॉल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, अल्फा बीटा, बीटा डैश, गामा, ओमेगा, ये सारे मिलके बनाते हैं आपके पूरे कॉम्प्लेक्स को, तो इसलिए आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। मूविंग ऑन, हम देखते हैं यहाँ पे कैसे ये कॉम्प्लेक्स बन रही है। आप देखिए सबसे पहले अल्फा के दो यूनिट्स अल्फा वन अल्फा टू ये आपस में पॉलीमराइज करते हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं एक बीटा यूनिट के साथ एंड दे फॉर्म अल्फा टू बीटा कॉम्प्लेक्स। अल्फा टू मींस टू यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स। देन अगेन जो आपका आता है बीटा डैश यूनिट, जब बीटा डैश यूनिट आता है वो आके जुड़ता है, बीटा और ओमेगा आपस में जुड़ेंगे, बीटा ओमेगा यूनिट बनता है, और ये बीटा ओमेगा और ये अल्फा टू बीटा, ये यूनिट और ये यूनिट आपस में इनका इंटरेक्शन और इनका इंटरेक्शन आपको बनाता है ये पूरा कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड एज अ कोर एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको हम? कोर एंजाइम बोलते हैं। और ये आपका एंजाइम जो है अब ये रेडी है आपका आरएनए बनाने के लिए, लेकिन अभी तक इसके पास जो एबिलिटी है टू बाइंड द प्रमोटर, टू रिकॉग्नाइज द प्रमोटर, वो नहीं है। तो इसके साथ जुड़ेगा आपका सिग्मा सब यूनिट। जैसे ही सिग्मा सब यूनिट के साथ जुड़ गया तो अब ये अल्फा टू बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा ये मिलके पूरा कहलाता है होलो एंजाइम या टोटल एंजाइम। ये कोर एंजाइम था, कोर एंजाइम के साथ सिग्मा सब यूनिट जुड़ेगा तो ये बनाएगा आपका होलो एंजाइम, और ये होलो एंजाइम अब प्रोमोटर के साथ बाइंड कर सकता है, प्रोमोटर के साथ बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। तो दिस इज हाउ आरएनए पॉलीमरेज वर्क्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स इन आरएनए पॉल कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो यहां पे आप देखिए ये कोर एंजाइम है, ये सिग्मा फैक्टर मिलेगा और फिर जाके पूरा होलो एंजाइम मिलेगा, बन गया। आपको मैंने पहले भी बताया कोर एंजाइम इसमें दो अल्फा यूनिट्स, एक बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, उसके साथ सिग्मा फैक्टर ये जुड़ेगा और आपके पास पूरा आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम कह लो या आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स कह लीजिए आप। मूविंग ऑन, कमिंग टू द यूकैरियोटिक पॉलीमरेजेस, मैंने कहा पहले ही कि काम दोनों का सेम है, सिर्फ यूकैरियोट्स में क्योंकि आपके पास डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, उस वजह से आपके पास तीन डिफरेंट या पांच डिफरेंट तरह के पॉलीमरेजेस हैं। यहाँ पे आपको तीन इंपॉर्टेंट वाले दिखाए हैं। आरएनए पॉलीमरेज वन क्या क्या बनाता है? ये बनाता है प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल आरएनए, जो आरआरएनए है, टाइप्स की हम बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ये बनाता है आपके आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज टू बनाता है आपके मैसेंजर आरएनए, जो हमारा मेन काम का एंजाइम है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज टू या आरएनए पॉल टू। ये बनाता है मैसेंजर आरएनए और कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज थ्री वो क्या बनाएगा? आपका टीआरएनए बनाएगा, कुछ स्मॉल आपके जो स्मॉल सब यूनिट के आरएनए हैं, 5S आरएनए और कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये भी बनाएगा। तो आपके पास पॉल टू और थ्री छोटे आरएनए बनाते हैं, साइज में जो छोटे होते हैं, और पॉल वन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग आरएनए विच आर वेरी लार्ज इन साइज। सो तीन डिफरेंट पॉलीमरेजेस, तीन डिफरेंट तरह के आरएनएज को बनाने के लिए ये प्रॉपर्टी है आपके यूकैरियोटिक पॉलीमरेजेस की, कि हर एक डिफरेंट तरह का आरएनए एक डिफरेंट पॉलीमरेज के जरिए बनेगा। मूविंग ऑन,
तो आरएनए पॉल वन, ये देखिए इट्स अगेन मैंने कहा था आपको 15 से 20 सब यूनिट कॉम्प्लेक्स होता है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है आरएनए पॉल वन, ये आरएनए पॉल टू, ये आरएनए पॉल थ्री, एक मल्टीमेरिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। वी विल नॉट गो इन डिटेल्स सिंस इट्स एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो आपको ये बताने के लिए है कि आपका जो आरएनए पॉल वन है ये इंटरैक्ट करता है बहुत सारे फैक्टर्स के साथ, मल्टीमेरिक कॉम्प्लेक्स है, उस तरह आरएनए पॉलीमरेज टू और आरएनए पॉलीमरेज थ्री भी ये आपके मल्टीमेरिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंटरैक्ट करते हैं बहुत सारे और आपके जो फैक्टर्स हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं या और एक्सेसरी फैक्टर्स हैं उनके साथ बिफोर दे कैन स्टार्ट योर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। मूविंग ऑन, थोड़ा सा एक समराइज कर लें कि तीन आपके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो आपके आपके तीन पॉलीमरेज की बात की, आरएनए पॉल वन, पॉल टू और पॉल थ्री। ये आपके जो पॉलीमरेजेस हैं ये आपके जो हैं, व्हेन यू कंपेयर इट विद अ प्रोकैरियोटिक आपका आरएनए पॉलीमरेज, इट विल यू विल फाइंड होमोलॉजी, यू विल फाइंड कि आपके जो इकोलाई या बैक्टीरियल है या प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है उनके साथ इसकी होमोलॉजी है, उसके साथ इन ये मिलते हैं, स्ट्रक्चरल होमोलॉजी भी है, फंक्शनल तो है ही, फंक्शनल तो सेम है, फंक्शन तो सेम है दोनों का, लेकिन स्ट्रक्चरल होमोलॉजी भी है। स्ट्रक्चर पॉलीमरेज वन और थ्री में इट कंटेन्स नॉन आइडेंटिकल अल्फा लाइक सब यूनिट्स, इसमें जो है जो अल्फा है वो आपस में दूसरे से अलग नहीं होते, लेकिन आपके पॉलीमरेज टू में देर आर टू कॉपीज ऑफ डिफरेंट अल्फा लाइक सब यूनिट, इसमें आइडेंटिकल और इसमें टू डिफरेंट। सो और नेक्स्ट हम बात करेंगे, तीनों पॉलीमरेज में चार या चार से ज्यादा, चार तक जो है कॉमन सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और सात, तीन से सात जो है वो डिफरेंट सब यूनिट होते हैं जो स्मॉलर होते हैं। तो बेसिकली आपका जो कहने का मतलब ये है, जो कोर स्ट्रक्चर है तीनों पॉलीमरेज़ का वो सेम है, वो काफी मिलता जुलता है और कुछ कुछ डिफरेंसेस भी उनके स्ट्रक्चर में हैं। कोर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आप होमोलोगस कह सकते हैं, मिलता जुलता कह सकते हैं। सो इसके बाद आपके पास स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं इस आपके आरएनए पॉलीमरेज़ के यूकेरियोट्स में। सो आपके पास बीटा लाइक सब यूनिट्स हैं, यू हैव अल्फा लाइक सब यूनिट्स, देन यू हैव ओमेगा लाइक सब यूनिट्स, बीटा भी हैं, अल्फा भी हैं, ओमेगा भी हैं, व्हेन यू कंपेयर इट विद द यूकैरियोटिक सॉरी प्रोकैरियोटिक आपके आरएनए पॉलीमरेज़ के साथ। तो इसके पास एडिशनल भी रहते हैं आपके, एडिशनल पांच, किसी में तीन, किसी में सात, तो नंबर ऑफ टोटल सब यूनिट्स जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन पॉलीमरेज टू द अनदर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। सो ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेजेस, सिंस वी विल बी डिस्कसिंग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड सॉरी प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक आरएनए, आगे जो प्रोसेस है विद रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट्स हम डिस्कस करेंगे, इसलिए एम्फोसिस वॉज ऑन द प्रोकैरियोटिक साइड, जस्ट टू कंपेयर देम आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है यूकैरियोटिक का भी। आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू एंड